नमस्कार हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। जयराम का कांग्रेस पर निशाना, बोले विपक्षी बताएं कौन सी कांग्रेस कर रही है आंदोलन। वृद्ध महिला से अमानवीयता मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। क्रूरता मामले में महिला आयोग चेयरमैन ने पीड़िता और परिजनों से की मुलाकात, दामाद ने मांगी पुलिस सुरक्षा। कांग्रेस ने ऊना में किया विरोध प्रदर्शन, वृद्ध महिला के मामले की कड़ी निंदा की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ। फतेहपुर बीजेपी मंडल चुनाव में शोर शराबे के बीच करतार पठानिया को बनाया अध्यक्ष। पीडब्ल्यूडी के बेलदार थामेंगे बंदूक, सीमावर्ती क्षेत्रों की करेंगे सुरक्षा, पुलिस विभाग को भेजा पत्र। हिमाचल के संजय करोल बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अब समाचार विस्तार से। सीएम जयराम ठाकुर ने ऊना में कांग्रेस के आंदोलन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बताए कौन सी कांग्रेस इस आंदोलन को कर रही है। वहीं सीएम ने इन्वेस्टर्स मीट पर कांग्रेस की बयानबाजी को हास्यास्पद करार देते हुए कांग्रेस को सब्र रखने की नसीहत दी है। ऊना में आयोजित एबीवीपी के 40वें प्रांत अधिवेशन में पहुंचकर सीएम जयराम ठाकुर ने पुराने दिनों को याद किया। अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा कि एबीवीपी एक संगठन नहीं आंदोलन है, जहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। सरकाघाट के समाहल गांव में वृद्ध महिला से अमानवीयता मामले में मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। मामले में पुलिस ने 21 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पीड़िता राजदेई को पुलिस आज उनके गांव गाहर लेकर गई है। मंगलवार को उनका मेडिकल करवाया जाएगा। मंडी जिला के सरकाघाट में बुजुर्ग महिला से क्रूरता मामले में प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने हमीरपुर पहुंचकर पीड़ित बुजुर्ग महिला और उसके परिजनों से अकेले में मुलाकात की है। हमीरपुर पुलिस के पहरे में पीड़ित महिला को सर्किट हाउस लाया गया, जहां पर प्रदेश महिला आयोग चेयरमैन डेजी ठाकुर ने बातचीत कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं महिला के दामाद योगराज शर्मा ने सोमवार को एसपी मंडी को एक ज्ञापन सौंपकर पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने का आग्रह किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के छठे दिन जिला ऊना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकाघाट के वृद्ध महिला के साथ अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पुलिस प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी है। इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन का ढुलमुल रवैया प्रदेश सरकार की कारगुजारी को भी उजागर करता है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज मेले का शुभारंभ किया। इस समारोह में उन्होंने लोगों से हिमाचल को नशा मुक्त राज्य बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक समाज सेवी संस्थाओं को व्यापक स्तर पर नशा निवारण अभियान चलाना चाहिए, ताकि समाज और विशेषकर युवाओं को
इस बुराई से बचाया जा सके। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। ज्वालामुखी बीजेपी मंडल अध्यक्ष चुनाव के बाद अब फतेहपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष चुनाव में भी बीजेपी बंटी हुई दिखी। राजा के तालाब में एक निजी पैलेस में हुए मंडल अध्यक्ष चुनाव में काफी गहमागहमी रही। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण रहा और नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। नारेबाजी भी खूब हुई। बीजेपी मंडल फतेहपुर अध्यक्ष पद पर करतार पठानिया के नाम की घोषणा के बाद ये शोर शराबा शुरू हुआ। दूसरे धड़े ने चुनाव का विरोध करते हुए बैठक में हो हल्ला शुरू कर दिया। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के बेलदार अब बेलचा छोड़ हाथों में बंदूक थाम सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करेंगे। इसके लिए सचिवालय से एक पत्र पुलिस विभाग को भेजा गया है, जिसमें पुलिस विभाग से मंजूरी मांगी गई है। ये प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो बेलदार बेलचा छोड़कर बंदूक थामे हुए नजर आएंगे। वहीं इससे पुलिस विभाग में चल रही स्टाफ की कमी भी दूर होगी। पुलिस विभाग से मंजूरी मिलने के बाद 2000 नियमित बेलदारों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा का अति महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जा सकता है। हिमाचल से संबंध रखने वाले जस्टिस संजय करोल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। समारोह में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मौजूद रहे। इससे पहले चीफ जस्टिस संजय करोल त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश संजय करोल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गरली के रहने वाले हैं। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।